नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे कलीग मित्र और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच के काफी विख्यात अधिवक्ता रतन सिंह गुहेला जी हैं, जो नमस्कार दोस्तों जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते रहते हैं। और जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि RTI का इस्तेमाल करके किस तरह से आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई क्रिमिनल केस हो, चाहे कोई सिविल केस हो, कैसा भी केस हो, उसमें RTI का इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हमारे जो मित्र हैं, साथी मित्र हैं, इन्होंने अपने गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो क्या कहते हैं, सरपंच वगैरह द्वारा किया जाता है, जिसमें कि आपको पता है हर गांव में सरपंच होता है और सरकार बहुत सारा पैसा विकास के लिए देती है, मगर सरपंच अधिकतर पैसा खा जाते हैं सचिव के साथ मिलकर। तो किस तरीके से हमारे साथी मित्र ने अपने गाँव का जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया और सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्रवाई करके उनकी रातों की नींदें हराम करके रखी हुई है और उनको सजा भी मिलने वाली है। तो मेरे साथी में से मेरा निवेदन है कि अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि लोगों को थोड़ी जानकारी मिल सके। हमारे साथी रतन सिंह रुहेला जी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रतन सिंह रुहेला, हाईकोर्ट बेंच इंदौर। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे राजगढ़ जिले के पंचायत, ग्राम पंचायत का मामला है, वहाँ पर सरपंच सचिव द्वारा विगत 10 वर्षों से भ्रष्टाचार की एक ऐसी बीमारी व्याप्त कर दी उस पंचायत में कि जो उस ग्राम पंचायत के जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, जो एक गरीब तबका जिसको बोलते हैं अपन, उस वर्ग के जो लोग थे, जो वहाँ के पात्र हितग्राही थे, जिनको वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार की जो योजना है, मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है, जिनका लाभ जिन हितग्राहियों को, जिन मजदूरों को, जिन गरीब वर्गों को मिलना था, उनका हक मारते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा वहाँ पे पात्र हितग्राहियों को वंचित रखा गया। जो अपात्र हितग्राही थे, जो अपने परिवार के मेंबर थे, जो अपने काका बाबा थे, जो अपने रिश्तेदार थे, उन लोगों को है जो उन लोगों द्वारा वहाँ पर कार्य दिया गया। जो मध्य प्रदेश शासन की जो स्कीम की जो योजना है उसकी गाइडलाइन के तहत वो कहीं नहीं आ रहे थे। उनके पास सैकड़ों बीघाए जमीन है, जिनका लैंड रिकॉर्ड भी मैंने अपने शिकायत पत्र में प्रेषित किया गया। जिन जिन विभागों में मैंने शिकायतें की थी, उन उन विभागों में जिन लोगों को इन्हें आपात हितग्राहियों को है जो रोजगार दिया था, मध्य प्रदेश शासन की जो भी योजना है उनका लाभ दिया गया था, जो आपात हितग्राही है उनका लैंड रिकॉर्ड, वो बम्पर थे, वो अपात्र थे, उनका रिकॉर्ड भी मैंने अपनी शिकायतों में संलग्न किया गया था मेरे द्वारा। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरी पंचायत में विगत 10 सालों से सरपंच सचिव द्वारा करप्शन किया जा रहा था। मैं देखता रहा, गांव का विकास रुका हुआ था, जो लोग थे, जिस तबके को रोजगार मिलना था, जिसको मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को लाभ मिलना था, उनको ना मिल पा रहा था। ये सब देखते हुए मेरा उन लोगों से विचार विमर्श भी हुआ, मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश भी की उन लोगों को, सरपंच सचिव को, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक बात ना मानी। फिर मैंने RTI का सहारा लिया, सूचना के अधिकार के तहत मैंने ग्राम पंचायत में एक आवेदन किया और मेरे द्वारा विगत 10 वर्षों में जो उन लोगों ने जो कार्य किया गया था, जो जनकल्याणकारी योजना है उसमें पात्र हितग्राहियों का हित मारते हुए अपात्र लोगों को काम दिया गया था, मजदूरी दी गई थी, जिनके फर्जी मस्टर भरे थे, फर्जी जॉब कार्ड तैयार किए थे, घर परिवार के लोगों के, समाज के लोगों के, उन लोगों का मैंने ब्यूरो मांगा। मेरे द्वारा उन लोगों का ब्यूरो मांगा गया, इससे पहले भी उन्होंने अनियमितता बापरी, राजीव गांधी मिशन के तहत इनको एक भवन तैयार करना था, उस भवन में भी इन्होंने राशि की निकासी कर ली, इनके द्वारा राशि निकाल ली गई और उसका निर्माण नहीं किया गया। माननीय महोदय SDM द्वारा इनके खिलाफ रिकवरी आदेश जारी हुआ, उसमें इनके खिलाफ 2,16,000 की रिकवरी इनके द्वारा की गई। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों की नज़र में, जनपद पंचायत की नज़र में, ये करप्शन लिप्त अधिकारियों की नज़र में पहले से ही थे। मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में RTI लगाई गई, RTI में मेरे द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी वो जानकारी मुझे इस बात को कहकर उन्होंने नकार दिया कि ग्राम पंचायत के पास इतना समय नहीं है और आपने बेवजह ग्राम पंचायत के अधिकारियों को, सरपंच सचिव को, सहायक रोजगार को, इनको परेशान करने के उद्देश्य से आपने RTI लगाई है, इसकी जानकारी हम उपलब्ध करवा नहीं सकते, ना हमारे पास सामान है और ये ना जनहित के लिए आपने ये RTI लगाई है, ऐसा टाला मटोल करके
मेरे आवेदन को उन्होंने खारिज कर दिया। मतलब उन्होंने आपके आरटीआई को खारिज कर दिया, मेरी आरटीआई को उन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद फिर आपने क्या, फिर पार्टी जी मैंने है जो फर्स्ट अपील, अच्छा आरटीआई की फर्स्ट अपील, हाँ आरटीआई के थे जो फर्स्ट अपील लगती है, मैंने लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ मैंने फर्स्ट अपील की विकासखंड जनपद में, जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं वहाँ पे मेरे द्वारा है जो आरटीआई के तहत फर्स्ट अपील की गई। फर्स्ट अपील की गई, फर्स्ट अपील करने के बाद 30 दिन के बाद, अच्छा 30 दिन के बाद मुझे जनपद पंचायत द्वारा एक लेटर प्रेषित हुआ जिसमें जनपद पंचायत द्वारा एक डेट फिक्स की गई कि आपको इस तारीख को आना है, लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत के वो भी है, वो भी यहाँ उपस्थित होंगे और आप अपना पक्ष रखे अपने आर्ग्यू यहाँ पे सुनाए। एक बात और बता दूं त्रिपाठी जी, मैंने राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, मैं वहाँ के मैंने जो साइट्रेशन जो रहते हैं, न्याय दृष्टांत जो आरटीआई के तहत जो रहते हैं वो भी मैंने आरटीआई में मेंशन किए गए थे। मुझे जो डेट निर्धारित की गई थी, जो लेटर में मुझे डेट में बताया था कि इस तारीख में आपको फर्स्ट अपील पे आपकी सुनवाई होगी, वहाँ पे आ मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे पहुँचा तो ग्राम पंचायत के जो लोक सूचना अधिकारी थे वो भी वहाँ पे आए, जनपद सीओ साहब जो होते हैं वो इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी होते हैं, उनके समक्ष मैंने अपना पक्ष रखा, मैंने अपने न्याय दृष्टांत बताए कि इस के तहत है जो मुझे जानकारी चाहिए गई थी, लेकिन मेरा आवेदन इन्होंने निरस्त कर दिया और ये सब जो चीजें हैं इन्होंने बता के कि ग्राम पंचायत के पास कर्मचारियों के पास इतना समय नहीं है और बेवजह विलंबन कारित करने के उद्देश्य से आपने आरटीआई लगाई, मुझे जानकारी नहीं दी, ये सब मैंने अपना पक्ष वहां पे रखा, जो न्याय दृष्टांत थे वो बताया और मैंने माननीय फर्स्ट अपील अधिकारी महोदय जो रहते हैं उनको बताया कि इसके तहत है मैंने ये जानकारी चाहिए गई थी और ये जानकारी मुझे उपलब्ध करवाई जाए। सीओ साहब ने मेरा भी आर्ग्यू सुना, लोक सूचना अधिकारी का भी सुना और मान्य प्रथम अपील अधिकारी महोदय द्वारा 10 दिन बाद मेरा ऑफिस के पते पर, अच्छा मेरा जो पता रहता है उस पर मुझे एक लेटर जनपद से प्राप्त हुआ। उस लेटर में लिखा गया था कि आवेदक रतन सिंह रुहेला को लोक सूचना अधिकारी पंचायत के जो है उनको 15 दिन के अंतर्गत आप इनको निःशुल्क जो जो इनके द्वारा जानकारी चाहिए गई है वो इनको उपलब्ध करवाए, अन्यथा हमारे द्वारा आपके विरुद्ध कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी। मुझे 15 दिन के तहत ग्राम पंचायत से जानकारी मिली, ग्राम पंचायत से जानकारी मिलने के बाद त्रिपाठी जी है जो मैंने उस पर विश्लेषण किया, उसमें देखा मैंने इन लोगों ने कहाँ कहाँ है जो करप्शन किया, कौन कौन इस पंचायत के तहत पात्र हितग्राही थे, वास्तविक निम्न वर्ग में जो आते थे जिनको मजदूरी मिलना थी वो मनरेगा के तहत जिनको मजदूरी मिलनी थी, और एक बात और बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी मैं कि मनरेगा में कुछ काम ये ऐसे रहते हैं जो मजदूरों द्वारा ही करवाए जाते हैं, अच्छा हाँ उसमें पंचायत के सचिव और सरपंच द्वारा है जो GCB ट्रैक्टर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जो रहते हैं यंत्र जो रहते हैं कार्य यंत्र उनके द्वारा काम करवाया गया था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए और उनके द्वारा ही उस कार्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा ना करते हुए। तो ये बताइए कि जो जानकारियां मिली उसके बाद आपने इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मेरे द्वारा जैसे ही मुझे आरटीआई में जानकारी मिली, मैंने अब आरटीआई में जानकारी तो ये वही देंगे जिनसे इन्होंने कार्य करवाया था, जिन अपात्र हितग्राहियों को इन्होंने काम दिया था उन्हीं लोगों की लिस्ट मेरे पास आई, मैंने फिर उसमें विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक मेरे द्वारा वो किया, शोध किया गया, उसमें पाया गया तो उसमें 2% लोग, त्रिपाठी जी ये सोचने का विषय है, उसमें 2% लोग जो पात्र थे, 2% लोगों को, पात्र लोगों को मजदूरी मिली और 98% ऐसे लोगों को मजदूरी दी गई, ऐसे लोगों को उन्होंने वो दिया गया है उनके द्वारा जो अपात्र थे। बिल्कुल, मतलब ये सोचने का विषय और मैं देख के उस चीज को है जो मतलब अचंभित हो गया कि अरे एक हर आठ उसकी करप्शन की एक लिमिट होती है, लेकिन इन्होंने तो है जो बिल्कुल उसको तार तार ही कर दिया, मतलब एक मान्य वो जो मानवता जो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि त्रिपाठी जी ग्राम पंचायतों में आप तो यहाँ के प्रॉपर के रहने वाले हो, ग्राम पंचायत में जो सरपंच रहता है वो गांव का प्रथम नागरिक रहता है और वो जनप्रतिनिधि रहता है, उसको जनता इस विश्वास के साथ चुन के भेजती है कि व्यक्ति हमारे गांव का, हमारी पंचायत का, हमारे क्षेत्र का और हमारे ग्राम में जो निम्न वर्ग के जो गरीब तबके के जो लोग रहते हैं
उन लोगों का यह विकास करे। लेकिन उन सब लोगों को हक मारते हुए इन लोगों ने है जो अपात्र हितग्राहियों को, अपात्र मजदूरों को, ऐसे बहुत सारे जो काम इनके द्वारा किए गए, जो ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत रहती है उसके तहत ही काम तो इन्हीं के पास आता है, यही करवाते हैं, भवन निर्माण बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने इनके द्वारा मनमानी तरीके से की गई। मेरे द्वारा तथ्यों पे विश्लेषणात्मक कार्रवाई करके फिर मैंने एक कारण बताओ नोटिस बिल्कुल मैंने अपने लेटर पेड पे है त्रिपाठी जी इनको जारी किया इनके पते पर। फिर जारी करने के बाद इसमें 7 दिन में इनको है जो मेरे लेटर का जवाब देना था, त्रिपाठी जी इन्होंने मेरे लेटर का कोई जवाब नहीं दिया मुझे। बिल्कुल, क्योंकि भ्रष्टाचार में क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे त्रिपाठी जी, जवाब देना संभव नहीं था। फिर त्रिपाठी जी मेरे द्वारा विभिन्न विभागों में इनके खिलाफ शिकायत की गई, जैसा कि उस जिले के जिला पंचायत सीओ को मेरे द्वारा शिकायत प्रेषित की गई। बिल्कुल, आप लोग ध्यान से सुने कि कहां कहां हमारे साथी मित्र ने जो गांव में भ्रष्टाचार व्याप्त थे उसमें कहां कहां शिकायत करी। आप जो भी व्यक्ति जो गांव से ताल्लुक रखता है, जो वीडियो देख रहा है, उनको भी चीज़ अच्छे समझ में आएगी। तो मेरे द्वारा उस जिले के जिला पंचायत सीओ को शिकायत प्रेषित की, उस जिले के माननीय कलेक्टर महोदय को मेरे द्वारा शिकायत प्रेषित की, बिल्कुल लोकायुक्त महोदय को मेरे द्वारा शिकायत प्रेषित की, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ईओडब्ल्यू को बिल्कुल मैंने शिकायत प्रेषित की, स्टेट पंचायत मंत्रालय को मैंने शिकायत प्रेषित की, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली को मैंने शिकायत प्रेषित की, पंचायत राज्य मंत्रालय नई दिल्ली, केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालय नई दिल्ली को मेरे द्वारा शिकायत प्रेषित की गई। विभिन्न विभागों में इनके खिलाफ मेरे द्वारा शिकायत प्रेषित की गई। उसके बाद कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई। लगभग त्रिपाठी जी उसमें समय लगा मुझे, उसमें 30 से 40 दिन का मुझे समय लगा, और ये मान लो कि 45 दिन के लगभग मुझे इसमें समय लगा। मेरी शिकायतों पे अपर विभागों के अधिकारियों द्वारा जब उनके द्वारा विश्लेषण किया गया, उनके द्वारा ये देखा गया है कि शिकायत पत्र है इसमें क्या वास्तविकता है, मेरे द्वारा जो अपात्र लोग थे जिनको कार्य दिया गया था उनके और भी बहुत सारी चीजें जो लैंड संबंधित भू राजस्व संबंधित जो रिकॉर्ड थे जिनके मकान के नक्शे वगैरह जमीन की जो चीजें हैं कि ये इस गाइडलाइन में कहीं नहीं आते। मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है स्कीम रहती है उसके तहत ये अपात्र है, वो बहुत सारे रिकॉर्ड मैंने उसमें शिकायत में संलग्न किए थे त्रिपाठी। फिर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज्य भोपाल द्वारा मेरी शिकायतों पर संज्ञान लिया गया। तो अभी कार्रवाइयां चल रही हैं, अभी कार्रवाई कुछ अच्छा रिजल्ट निकलने की पूरी उम्मीद है, पूरी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह आरटीआई का सहारा लेकर हम बड़े से बड़े भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी जानकारी मिली होगी, और मैं अपने साथी मित्र एडवोकेट रतन सिंह रोहेला को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय हमको दिया और बहुमूल्य जानकारी आपके साथ शेयर करी। तो दोस्तों कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह होता है तो इस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका जवाब भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों